नमस्कार, पिक्के भी मैथ्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरे प्रिय शिक्षक साथियों, आज हम आपको NIOS DELED से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बिहार शिक्षक बहाली 2020 से संबंधित जानकारी। आपको बता दें कि बिहार शिक्षक बहाली जो अभी सरकार के द्वारा स्थगित की गई है, उसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में देंगे। आपको बता दें कि बिहार प्राइमरी शिक्षा के निदेशक डॉक्टर रंजीत कुमार का बयान आया है, देखते हैं उसका क्या बयान है। कर रहे हैं और विशेष रूप से प्राइमरी टीचर्स का जो नियोजन है उसको लेकर बहुत सारी बातें जो है वो जानना चाहते हैं जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं। हमारे साथ प्राइमरी डायरेक्टर हैं रंजीत कुमार सिंह। सर, क्या स्थिति है प्राइमरी नियोजन की? पता है कि चली मेरिट लिस्ट जो है फाइनल दौर में था, कई जगहों पे ऑब्जेक्शन जो है वो आपत्ति जो है वो मंगाया जा रहा था। इस बीच में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एक डायरेक्शन आया था कि जो DELED के जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी 30 दिन का मौका दिया जाए। इस अनुसंधान में हम लोगों ने लीगल उनसे हम जो ओपिनियन के लिए हमने भेजा था और AG साहब से भी उस पर विमर्श हुआ है। विमर्श के आलोक में जैसे ही कोर्ट ओपन होता है उसके बाद जो कोर्ट का डायरेक्शन फाइनली होगा उसके आलोक में हम लोग नियोजन की प्रक्रिया जल्दी स्टार्ट कर देंगे। जब कोरोना का माहौल या कोरोना की जो महामारी है उस समाप्त होने के बाद जनजीवन सामान्य हो जाएगा। जो नियोजन होने वाला है उसमें सरकार की क्या भूमिका है, क्योंकि लोग ये जानना चाहते हैं कि जो NIOS अभ्यर्थी हैं उनकी बड़ी संख्या है और उसको लेकर के फर्क जो पड़ रहा है, जो अभ्यर्थी NIOS के नहीं है वो भी इंतजार कर रहे हैं और जो है वो भी इंतजार कर रहे हैं। इसमें तो मैं यही कह सकता हूँ कि जितनी जल्दी जो है वो क्लैरिटी आ जाएगी उतना अच्छा रहेगा, ताकि नियोजन की प्रक्रिया जो है पूर्ण हो सके। प्राइमरी की इसीलिए रुकी हुई है, माध्यमिक की जो है हाई स्कूल के जो टीचर्स हैं उनका चूंकि कोरोना के चलते रोका गया है, उसका फाइनल लिस्ट भी लगभग कई जगहों पे तैयार है, तो वो जैसे ही वो जनजीवन सामान्य होगा तो हाई स्कूल के टीचर्स तुरंत अपॉइंट हो जाएंगे। बट हमारे जो प्राइमरी के हैं, प्राइमरी के लिए हमें वेट करना पड़ेगा, कोर्ट के डायरेक्शन का हम लोग वेट करेंगे। एक और बड़ा सवाल है कि जो 2950 स्कूल खुलने वाले। इस प्रकार आपने देखा कि प्राइमरी शिक्षा के निदेशक डॉक्टर रंजीत कुमार ने बताया है कि लॉकडाउन के बाद सरकार इस पर विचार करेगी, यानी सरकार अपनी जो दोहरी नीति है वो अभी भी दोहरी नीति को ही उजागर कर रही है। ये क्लियरेंस नहीं जारी कर रही कि क्या NIOS DELED वाले को लेंगे या नहीं लेंगे। सरकार की मंशा लग रही है कि लॉकडाउन खुलने के बाद सरकार डबल बेंच में जा रही है, क्योंकि अगर जाना नहीं होता तो वह त्रिपुरा सरकार की तरह लेटर जारी करता और शिक्षक बहाली को आगे बढ़ाता। चलिए, किसी भी प्रकार की जानकारी आती है तो हम आपको जानकारी देंगे। आप सभी शिक्षक बंधुओं से अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। हम आपसे एक अनुरोध करना चाहते हैं कि जो भी NIOS DELED अभ्यर्थी है वह अभ्यर्थी ट्विटर पर PMO, MHRD, NCTE, उस पर नीतीश कुमार सभी को लगातार रिट्वीट करें, जिससे यह बहाली की प्रक्रिया तुरंत शुरू हो सके। अगर इसमें किसी भी प्रकार की जानकारी आती है तो हम आपको जानकारी देंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरे चैनल के साथ बने रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।